हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टू द कुकिंग एंड मच मोर। तो आज मैं बना रही हूँ, मतलब आज ये मेरा पहला व्लॉग है। व्लॉग इन द सेंस मैंने ऐसे बहुत व्लॉग बनाए हैं, जैसे कि मैं कहीं पे बाहर जा रही हूँ, कहीं पे विजिट कर रही हूँ, तो वो मैंने बहुत बनाए, यानी शॉपिंग स्ट्रीट के भी मैंने बनाए। लेकिन ये जो डेली व्लॉग है यानी मेरे बारे में, वो मैं पहली दफ़ा बना रही हूँ। और मैं बताती हूँ कि ये मैंने स्टार्ट कैसे किया। मैंने आज सुबह ही मैंने इंस्टा पे, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है बाय द वे इट्स फरीन, तो मैंने वहाँ पे स्टोरी अपलोड किया कि मैं अपना डेली व्लॉग स्टार्ट करूँ या नहीं। बिकॉज कुछ भी अपलोड करने से पहले मुझे ऐसे लगता है कि लोग उसे पसंद करते हैं या नहीं करते, तो इससे अच्छा है कि हम उनकी ही जानकारी लिए, मतलब जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं या जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, तो सबका मतलब एस लाइक 100% एस था, किसी ने भी नो नहीं बोला है। तो फिर मुझे लगा कि यार मतलब ये लोग देखना चाहते हैं मेरा डेली व्लॉगिंग, तो मैंने तुरंत ही स्टार्ट कर दिया। लाइक लिटरली मैं अभी बज रहे हैं सुबह के 10:52 और मैं ऐसे मैंने स्टार्ट कर दिया। तो अब आप आदत डाल लो मुझे ऐसे ही देखने की। तो जी एक हो गया मेरे साथ स्कैम नहीं कह सकते, लेकिन ठीक है, क्योंकि देखिए मैंने ये मंगाया था, ये आप लोग जानते होंगे, इसे कहते हैं वुड एप्पल, और ये होता है ना, ये बहुत सख्त होता है, तो इसको फोड़ने के लिए तो मैंने अपना टाइम वेस्ट किया। और जब ये फूटा तो मैं दिखाती हूँ आपको अंदर से क्या निकला। देख पा रहे हो आप, मतलब देख पा रहे हो आप, मतलब पूरा के पूरा कच्चा है। तो मुझे पता नहीं था यार, ये मतलब पता नहीं है कि ये कैसे पहचानते हैं कि ये पका हुआ है या नहीं। मैंने इसे एक बार खाया था जब मैं बैचलर थी, यानी मैं रहती थी अपने फ्रेंड्स के साथ, तब मैंने खाया था इसे एक दफ़ा, और उस दिन मैंने ये परचेज किया। बट मुझे पता नहीं था यार ये कैसे पता चलेगा कि ये क्या है और मतलब पका हुआ है या नहीं, और मैंने इसे ख़रीद लिया। और मतलब अपना मेरा पैसा तो वेस्ट हुआ ही, लेकिन इसे फोड़ने के लिए जो मैंने मेहनत लगाई है वो भी वेस्ट हुआ। और मुझे पता नहीं यार कि अभी ये कच्चा है तो अब इसका यूज़ कैसे करना है, मतलब या इसका कुछ बना सकते हम कच्चे फल का। हाँ, जब पका हुआ होता है तो मुझे पता है कि इसमें गुड़ डाल के खाते, क्योंकि ये टेस्ट में खट्टा सा होता है, यानी ऐसे चटपटा सा होता है ना, तो इसमें गुड़ डाल के ना खाते हैं, तो वो मैंने खाया था। और अब मुझे पता नहीं है कि इस कच्चे का क्या करना है। अगर आपको पता है तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मैं इसका यूज़ कर पाऊँ, कि यार खाने की चीज़ें फेंकना अच्छा नहीं लगता है। तो प्लीज़ मुझे बताना कि कच्चे वुड एप्पल का क्या करते हैं, मैं ज़रूर बनाऊँगी वो चीज़। तो अब मैं हो चुकी हूँ रेडी यानी मैं बस नहा के आई हूँ, और मुझे बनाना है लंच। तो लेट्स सी लंच में क्या बनेगा, अभी तक तो मैंने डिसाइड नहीं किया है, मिलती हूँ आपको लंच बनाने के बाद। तो जो मैंने अभी आपको स्ट्रॉबेरी दिखाई है वो है फ्रेश फार्म स्ट्रॉबेरी, जो आती है डायरेक्ट फार्म से। तो अगर आप वो लोग बाय करना चाहते हो आप लोग, तो मैं बता दूं कि सातारा से थोड़ा आगे जहाँ से महाबलेश्वर के लिए रोड जाता है, तो उसी एरिया में आपको स्ट्रॉबेरीज़ के स्टॉल मिलेंगे। लाइक जो नेशनल हाईवे है उसी के साइड में आपको बहुत ढेर सारे, मतलब एक लाइन ही स्टार्ट हो जाता है स्ट्रॉबेरीज़ स्टॉल का, और बहुत ही फ्रेश सीधे फार्म से स्ट्रॉबेरी आपको मिलती है। और अभी जैसे कि स्ट्रॉबेरी का सीज़न जो है वो एंड हो रहा है, तो अभी तो स्ट्रॉबेरी बहुत ही ज़्यादा सस्ती है। तो जैसे मैंने आपको दिखाया, तो मैंने 1 kg स्ट्रॉबेरी वहाँ से मैंने लिया था, तो मुझे सिर्फ 100 rupees का मिला था। तो अगर आप उस रास्ते पर जा रहे हो या जाने वाले हो या हो, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ज़रूर वहाँ से स्ट्रॉबेरी परचेस करें, क्योंकि फार्मर्स है, स्ट्रॉबेरी उगाते हैं और बेचते हैं। तो हम कहीं से मॉल से लेंगे या कहीं से ऑनलाइन परचेस करेंगे, तो इससे अच्छा है कि
डायरेक्ट फार्म का खाएंगे और फार्मर्स को भी हेल्प हो जाएंगी। एक्चुअली मुझे ऐसे अभी लग रहा है ना कि मैंने उस टाइम पे ना वहाँ पे वीडियो बनाना चाहिए था, बट हम लोग थोड़ा हरी में थे क्योंकि हमें पुणे आना था, तो वीडियो तो नहीं बनाई। इंशाल्लाह अगर मैं कभी, अभी तो नहीं लेकिन नेक्स्ट सीज़न में, नेक्स्ट समर में अगर जाऊँगी तब उस टाइम पे मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगी स्ट्रॉबेरी स्टॉल का, और हो सके तो स्ट्रॉबेरी फार्म का भी। तो इवनिंग में अपनी गैलरी में बैठ के मैं इंजॉय करती हूँ इस टाइम पे अपनी कॉफ़ी, और ये है आज ब्लैक कॉफ़ी। कभी कभार मैं मिल्क वाली भी कॉफ़ी पीना पसंद करती हूँ, बट बहुत कम टाइम पे मुझे पसंद है ब्लैक कॉफ़ी। तो आपको परिंदों की भी आवाज़ आ रही होगी क्योंकि हमारे यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा कबूतर है बहुत। तो ये जो कप है ये मुझे मेरे फ्रेंड ने गिफ्ट दिया था, और मतलब मेरे बर्थडे पे गिफ्ट दिया था 9 साल पहले। तो 9 साल से मैं इस कप को यूज़ कर रही हूँ, मतलब इनफैक्ट मेरे पास और भी कप है लेकिन मैं ये कप यूज़ करना पसंद करती हूँ, ज़्यादातर मैं यही यूज़ करती हूँ। कॉलेज फ्रेंड है मेरी, और अभी भी मतलब फ्रेंड्स तो कांटेक्ट में रहते ही है लेकिन उतना मिलना जुलना नहीं होता है आफ्टर कॉलेज, लेकिन कुछ यादें होती है अपने फ्रेंड्स की जो हमेशा अपने साथ रहती है। उनके कुछ गिफ्ट्स होते हैं जो हमेशा अपने साथ होते हैं, और जैसे कि ये कप है, फॉर्चुनेटली मैं कहूँगी कि 9 साल से ये मेरे साथ है। मैं हॉस्टल में रही हूँ, उसके बाद मैं अपने फ्रेंड्स के साथ रूम शेयर करके रही हूँ, उसके बाद मेरी मतलब शादी हो गई है, तो शादी के बाद भी मैं यही कप यूज़ कर रही हूँ, मतलब इतना लॉन्ग जर्नी। और आई होप कि वो वीडियो देख रही होगी। तो जैसे कि मैंने कहा अभी हो चुकी है इवनिंग, लाइक लिटरली 6 बज चुके हैं, और मैं कर रही हूँ अपना व्लॉग यहीं पे एंड, क्योंकि आज मेरा फर्स्ट व्लॉग है तो मैं आज थोड़ा सा शॉर्ट रखना चाहती हूँ व्लॉग को। और देखते हैं कि हर रोज़ कुछ नई चीज़ें होती जाएंगी तो हर रोज़ मैं शूट करते जाऊँगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियो में, मज़ेदार व्लॉग में, या तो फिर कोई अच्छी सी रेसिपी में। तब तक के लिए लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज़ कुकिंग एंड मच मोर, एंड बाय बाय।